सलमान खान ने ईद के मौके पर रिलीज करने का वादा निभाते हुए अपनी एक्शन एंटरटेनर फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई OTT पर धमाल मचा रही। भले ही IMDb पर सलमान की फिल्म को सिर्फ 2 ही रेटिंग्स मिली हो, लेकिन भाईजान के फैंस को ये फिल्म शानदार लगी है। इस फिल्म को पहले दिन ही दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दर्शकों से मिले इस प्यार पर खुद सलमान खान ने भी खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि इस फिल्म को पहले दिन ही 4.2 मिलियन व्यूज हासिल हुए हैं, जो कि एक बेहद शानदार आंकड़ा है। सलमान ने पोस्ट शेयर कर लिखा, आप सभी को ईद की बधाई, आप सभी का शुक्रिया राधे को पहले दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री आपके प्यार और सहयोग के बिना नहीं चल पाएगी, थैंक यू। बता दें, इस मामले में सलमान की राधे ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल राधे से पहले OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म के नाम का रिकॉर्ड अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी के नाम पर था। बीते साल कोरोना वायरस के बाद लगे लॉकडाउन के बीच रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को पहले दिन 3.7 मिलियन व्यूज हासिल हुए थे, जबकि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को 2.3 मिलियन व्यूज मिले थे। कहना गलत नहीं होगा कि राधे ने अक्षय कुमार को करारी मात दी है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म राधे की वजह से Z5 के सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में जबरदस्त उछाल आया है। रिपोर्ट्स की माने तो राधे और मास्टर जैसी फिल्मों की रिलीज को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि Z5 के सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए हैं और Z5 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देश का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म थिएटर्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज हुई थी। फिलहाल देश में कोरोना की वजह से हालात खराब हैं। ऐसे में यहाँ तो थिएटर्स ना के बराबर ही खुल रहे हैं, लेकिन विदेशों में ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है और फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स दिखाई दिए हैं। बताते चले, राधे से होने वाली कमाई को सलमान खान कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए डोनेट करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले Z5 ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी थी। वहीं चलिए जाते जाते सुनाते हैं आपको राखी सावंत का वो वीडियो जिसमें वो लोगों से फिल्म राधे को देखने की गुजारिश कर रही हैं, ताकि फिल्म से होने वाली ज्यादा से ज्यादा कमाई के जरिए कोरोना काल में लोगों की मदद हो सके। मत भूलना, बिकॉज मैंने तो डाउनलोड कर लिया है Z5 और राधे फिल्म तो ऑसम है, जरूर देखना। मैंने भी देखी है फिल्म। क्या काम करते हैं यार सलमान खान, क्या एक्शन करते हैं सलमान खान, अपने खुद के एक्शन खुद करते हैं। वाह, क्या आपने देखा है सलमान खान अपनी खुद की एक्शन खुद करते। दो हीरो है मेरे ख्याल से, तीन हीरो, जब मैं हूं नाम में थी तो मैंने देखा था शाहरुख अपनी एक्शन खुद करते बिल्डिंग से छलांग लगाना, सलमान खान अपनी एक्शन खुद करते लातवाद घुसे मारना, और अक्षय कुमार कुंफो कराटे किसी को पीटना हो खूब सारा। तो मुझे लगता है कि ये तीनों और कौन ना, शाहिद कपूर, हाँ, जब मैं दिल बोले हड़प्पा में भी मैंने देखा था तो विलन को पिटना था, तो शाहिद कपूर भी धनाधन बहुत, और रणवीर, हाँ, अरे मेरे रणवीर को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये भी खूब पिटते हैं अपने पुराने। प्लीज मुझे रिव्यू बताना मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपको राधे कैसे लगी। ऑसम। देखिए एक बात बोलूँ, सलमान खान पे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो उनके लिए बहुत फालतू कमेंट करते हैं लेकिन वो सुनना नहीं। आपको मालूम है सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद कितना अच्छे देश के लिए काम करते हैं, तो हमारा फर्ज तो बनता है, देश की जनता, गरीब जनता के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी एक फिल्म तक नहीं देख सकते, देख सकते। और उन्होंने कहा है कि राधे की पूरी फिल्म का पैसा जो है वो कोरोना पेशेंट सबके लिए वो डोनेट करने वाले। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने खुद बोला है ना, उनका एक पोस्ट आया। अरे भैया लोग मेरी कॉफ़ी दे दो, मेहरबानी करो। ओ हीरो, मेरी कॉफ़ी देना भाई, कब कर रहा है, अमेरिका से बन के आ रही है क्या मेरी कॉफ़ी? दुबई में उनका शो खुल गया। हाँ, दुबई में खुल गया, हाय काश मैं थिएटर में देख सकती, पर कोई बात नहीं, मैं थिएटर में बैठ के तो नहीं देखी, बट टीवी पे एकदम करीब आके देखिए तो एकदम थिएटर जैसा ही लुक आता है। मेरा भी बड़ा टीवी है, मेरे पास तो बड़ा टीवी है, बड़ा टीवी मेरे पास। घर पे ही होगा ना, कहाँ होगा नहीं मालूम है, क्या दिखाऊं, मेरे पास है ना भाई, बड़ा टीवी है भाई, छोटा मोटा टीवी थोड़ी है मेरे पास, मेरे पास बड़ा टीवी है। आपके पास तो आईफोन है। अरे फोन मत घुसा बीच में ये देखो कितना बड़ा टीवी है मेरे पास, राधे राधे दिखाइए, इधर दिखाइए इस तरफ, ये देखो कितना बड़ा टीवी है, मैं एकदम करीब बैठ के देखती हूँ।